बूंदी जिले के इंद्रगढ़ तहसील सुमेरगंज मंडी में जलदाय विभाग के द्वारा की जा रही अनियमित जलापूर्ति को लेकर आज लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। सुमेरगंज मंडी के निवासियों ने आक्रोश जताते हुए बड़ी संख्या में महिलाओं व पुरुषों ने जलदाय विभाग के सामने आकर विरोध जताते हुए सड़क पर चक्का जाम कर दिया। सामाजिक कार्यकर्ता पवन शर्मा ने बताया कि विगत कई दिनों से सुमेरगंज मंडी के वार्ड 13 व 14 में आम जनता को पानी की भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। शिकायत के बाद भी जलदाय विभाग द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। कई मोहल्लों में पानी की आपूर्ति नाम मात्र के लिए की जा रही है, जिससे इस भीषण गर्मी में आम जनता को पीने के पानी के लिए अपने घरों से दूर दराज से हैंडपंपों की शरण लेनी पड़ रही है। अगर यही हालात रहे तो आम जनता को मजबूरी में आंदोलन के लिए विवश होना पड़ेगा। जाम की सूचना पर तहसीलदार और पुलिस मौके पर पहुंचकर लोगों से समझाइश कर समस्या समाधान का आश्वासन दिए, जिसके बाद जाम को हटाया गया। इस दौरान पवन शर्मा, फारूक खान, वशीम खान, दीपक पालीवाल, आरिफ मोहम्मद, रमेश कुमार सहित अन्य लोग मौजूद रहे। सुमेरगंज मंडी में जलदाय विभाग की जलापूर्ति जो हो रही है उसमें अनियमितताओं का दौर चल रहा है। कई कई इलाके तो ऐसे वहाँ पर एक बूंद पानी नहीं आ रहा है और कई इलाके ऐसे जिनमें खेतियाँ की जा रही है, कहीं जगह पानी की खेती की जा रही है। पब्लिक में भारी आक्रोश था। आज कई मोहल्लों में एक बूंद पानी नहीं आने के कारण पिछले दो तीन दिन से परेशानी थी, तो आज सुमेरगंज मंडी की जिन मोहल्लों में पानी नहीं आया उन औरतों ने, बाल बच्चों ने यहाँ मेन रास्ते पर आकर जाम लगाया है। कोई आश्वासन नहीं दिया गया है प्रशासन द्वारा। अभी तो इसका हल निकालने के लिए मौखिक आदेश दिए गए हैं, जिस पर कार्यवाही कब तक होती है देखा जाएगा। अगर शीघ्र ही कार्यवाही नहीं हुई तो पुनः आंदोलन की तैयारी की जाएगी। वी टाइम न्यूज़ के लिए राजस्थान बूंदी से हनुमान गौड़ की रिपोर्ट।